देखिए सेंट्रल ट्रेड यूनियंस मिल करके पिछले 8 साल से मांग पत्र लेकर के लड़ना शुरू किए, तो हमारा वो बढ़ते बढ़ते 10 सूत्री मांग पत्र हो गया और अभी आते आते इस सरकार के आने के बाद 12 सूत्री हो गया। हमारी मांग तो सीधी थी, महंगाई के प्रश्न पर लड़ रहे थे, हम कह रहे थे कि यूनिवर्सल करो पीडीएस सिस्टम को और स्पेकुलेशन बंद करो उसमें और गवर्नमेंट प्राइस फिक्सेशन करे एसेंशियल कमोडिटीज़ के, वो मांग तो थी ही। दूसरी थी कि जॉब की डिमांड रखने वाले नौजवान की गिनती बढ़ रही है, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा और जिनकी जॉब है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और इसके अलावा था कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है नेचुरल रिसोर्सेज पे और अदरवाइज, इसकी हमें रक्षा होनी चाहिए, इसको डिसइन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। फिर हमारी मांग थी पीएफ ग्रेच्युटी बोनस इसकी लिमिट हटा दीजिए। फिर हमने ये कहा कि जो पेंशन से कवर्ड हैं लेकिन बहुमत मजदूर तो कवर्ड नहीं है, उसको पेंशन मिलनी चाहिए 3000 रुपये हर एक को, गवर्नमेंट उसके लिए कुछ करे। और साथ में हमने जो है अपनी और मांगों के साथ साथ लेबर लॉ में जो वायलेशन हो रहा है उसको रोका जाए, एनफोर्स किए जाएं लॉज। और दूसरा हम ये कह रहे थे कि लेबर लॉज के अंदर एंटी वर्कर्स चेंजेस नहीं लाने चाहिए। इस सरकार ने आके उस प्रोसेस को बढ़ाया, वो जो हमारी दो मांगे जुड़ी थी उनमें मेजर ये थी कि आप कोडिफिकेशन करके सारे लेबर लॉज को तेजी से चेंज कर रहे हो, ये नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो इस गवर्नमेंट ने 100% FDI लाया, पहले तो रेलवे और डिफेंस बोला था, अब तो और बहुत सारे सेक्टर जोड़ दिए, फार्मा जोड़ दिया, एनिमल हस्बेंड्री जोड़ दिया, इवन सिक्योरिटी वाला सिस्टम उसको भी जोड़ दिया, रिटेल ट्रेड को भी जोड़ दिया। तो ये हमारी दो डिमांड्स जुड़ गई थी जो 12 पॉइंट हो गई थी। तो इन सारी डिमांड्स को लेकर के हम लड़ रहे थे, पर इस सरकार ने हमसे बात की आने के बाद जब हम हड़ताल का नारा दिए, तो 2 सितंबर 2015 में हड़ताल थी, तो अगस्त महीना में ही हम लोगों से बात की है सिर्फ ये कहने के लिए हड़ताल मत करो। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पे कोई जवाब नहीं दिया, हम हड़ताल पे गए। हड़ताल से पहले ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए, 5 मेंबर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो हम लोगों से बात किए थे, मांग पत्र पे चर्चा की बजाय सिर्फ ये कहने के लिए हड़ताल वापस लो। लेकिन उस हड़ताल के बाद वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आज तक, अब नवंबर 2017 है, वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बात नहीं किया, गवर्नमेंट बात नहीं की, जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में प्रामिसेस किए गए वो भी नहीं किए गए, जो न्यूनतम वेतन की हमारी मांग तब 15,000 होती थी अब 18,000 हुई, 7th पे कमीशन ने खुद जब माना कि 18,000 हो सकती है, तो हमारी उस डिमांड को भी ना सुना ना बात की कुछ नहीं। फिर हमने सेकेंड स्ट्राइक की 2 सितंबर 2016 को, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने बात नहीं की। और अब हम इस एक्शन के लिए मजबूर हुए, ऑल इंडिया कन्वेंशन किया तो भी सरकार ने जरूरी नहीं समझा, पर अब बुला लिया हमें, 2 दिन पहले हमें बुला लिया, क्या कहने के लिए, मांग पत्र में हम कुछ नहीं दे सकते, आप धरना वापस ले लो। तो गवर्नमेंट की अप्रोच सीधे सीधे वर्कर को दबाने की है, किसान को दबाने की है, उनकी मांग को सुनने की नहीं है। देश के बड़े पूंजीपति और दुनिया की जो वित्त पूंजी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल, हिंदुस्तान की आर्थिक नीति को उनके हवाले करने की है। तो हमारा ये मानना है कि ये गवर्नमेंट एंटी नेशनल है, एंटी वर्कर, एंटी फार्मर, एंटी पीपल तो हम बोलते ही थे, लेकिन ये गवर्नमेंट एंटी नेशनल भी है, क्योंकि नेशनल रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे ये बिल्कुल उड़ाने की बात कर रहे हैं और पूरे फाइनेंस कैपिटल के साथ हिंदुस्तान की अर्थनीति को जोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा होगा। और हम समझते हैं इन्हीं नीतियों का पार्ट था टोटल डिमोनेटाइजेशन, सारी करेंसी को रद्द करना इसका पार्ट था, GST जिस फॉर्म में ये लाए हैं वो इसका पार्ट है। तो ये अलग अलग नहीं है, ये ऑल इंक्लूसिव है कि जो लड़ना चाहता है उसको पीटो, उसके हक छीन लो, यूनियन बनाने नहीं दो और उनके जो मिले अधिकार हैं उनको कमज़ोर कर दो, ये उसका पार्ट है जब वो किसानों की ज़मीन छीनते हैं। क्योंकि अगर मल्टीनेशनल्स को लाना है, बड़े देश के पूंजीपति को मदद देना है, तो ज़मीन छीन के देनी है, तो किसान से ज़मीन छीनो। तो ये ऑल इंक्लूसिव है और उसी का ही हिस्सा है, उनकी प्लान का हिस्सा है कि लोग हमसे अपने इश्यूज़ पर लड़े नहीं, उनको इस पे बहस में जुटाए रखो कि हिंदू धर्म के, मुसलमान धर्म के, बीफ खाना है कि नहीं खाना है, ये भाषा बोलनी है कि नहीं बोलनी है, ये किताब पाठशाला में चलेगी कि नहीं चलेगी, सारा का सारा जो एजेंडा है
जो आम जनता का एजेंडा है उसको डिरेल करके लोगों को बांटने की पॉलिटिक्स। तो मैं यही कह सकती हूँ कि आज सरकार के अंदर जो बैठे हैं और जिनके दम पे सरकार चल रही है, वो देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए थे, अंग्रेजों की दलाली किए थे, और अब सरकार में बैठ के अमरीका की दलाली करने पर उतर आए हैं, आज के साम्राज्यवादियों के पीछे चल दिए हैं दुम दबाते हुए।